एसेंस ऑफ हैदराबाद के व्यूअर्स, अब ये विंटर्स के बड़े ज़बरदस्त अमरूद है जाम, तो ये आप लोगों से शेयर करने का रीज़न ये है कि जैसा अपन अपने पुराने रिवायतों को भूल रहे हैं और सीजनल फ्रूट्स को भी बिल्कुल अपनी लाइफ से निकाल दे रहे हैं, इसके इतने बेनिफिट्स है जो हमारे बुजुर्ग हमको खिलाते थे। आप देखो हमारे मिठू मियाँ भी आ गए जाम खाने के वास्ते। जाम में अल्लाह ताला फुल ऑफ कैल्शियम और फुल ऑफ विटामिंस का लोड भर डाला। रीज़न और विंटर्स में और रेनी सीजन्स में जाम आने का है कि विंटर और रेनी सीजन्स में आपका इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, जिससे नज़ला जुकाम खांसी बुखार बहुत होता है, तो इसके लिए विटामिन सी एक बहुत बड़ा अमृत है। तो अल्लाह ताला ऐसा डिज़ाइन करे फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को, ग्रेन्स को, के जो सीज़न में इंसान की बॉडी को जो चीज़ की ज़रूरत है वही पैदावार होती। जैसा अभी हमको जामों की सख्त ज़रूरत है क्योंकि फुल ऑफ विटामिन सी और कैल्शियम है, तो राइट नाउ क्रैम्प्स भी आ रही, सर्दियां शुरू होते पैरों में और जोड़ों में दर्द, हड्डियों में दर्द, तो ये कैल्शियम का सोर्स भी है, विटामिन सी भी है। और साथ में आप देखो ये अनार, क्योंकि हर तरफ डेंगू चिकनगुनिया फैला हुआ है, तो अनार के जूस से आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता। तो बोलने का रीज़न ये है कि हमेशा अनसीजनल फ्रूट्स यूज़ करने के बजाय और वेजीज यूज़ करने के बजाय सीजनल फ्रूट्स को अपन खाना, ख़ास तौर से देसी या देसी जाम है, तो कोशिश करिए कि आप लोग भी ज़रूर खाइए। और अच्छा, अक्सर लोग डरते कि जाम खाने से खांसी होती है, सीना भरता, तो अपने बुजुर्ग वो भी अपने को बता के गए ना कि दरअसल काला नमक एक ऐसी चीज़ है कुदरत की तरफ से कि काले नमक से आपका, देखिए काले नमक से एक तो आपको सीना भी नहीं भरता, खांसी भी नहीं होती और म्यूकस बलगम को बनने नहीं देता काला नमक। तो जाम को कट करके हल्का सा भुना कुटा जीरा और थोड़ा सा काला नमक, और अब चाहे तो चाट मसाला ऐड करके, या चाट मसाला नहीं भी करना चाहे तो काला नमक, जीरा और थोड़ा सा अपना मोटे नमक उबारे करके डाल के भी आप खा सकते हैं, बच्चों को भी खिला सकते हैं, और जिनको कॉन्स्टिपेशन है, हमारे बुजुर्ग जो हजम नहीं कर सकते, तो उनके लिए इसमें के बीच के बीज निकाल के जरूर दीजिए और जरूर खिलाइए। ये कुदरत की तरफ से दिया हुआ बड़ा जबरदस्त मेवा है जो बेहतरीन सुपर फूड है। हम बड़े बड़े मॉल्स में, मार्केट्स में जाके ये वो चीज़ों को सुपर फूड बोल के महंगे महंगे लेके आ रहे हैं, मगर ये अल्लाह ताला जो अपने को सुपर फूड दिया ना, बेहतरीन, वन ऑफ द बेस्ट, इसको ज़रूर खाइए और देखिए कितना फ़र्क पड़ता है ये चीज़ों से आपकी लाइफ में। और जो बच्चों को अब रात होते लेग पेन्स और क्रैम्स आना शुरू होते वो भी बहुत अच्छे होते। तो ये प्यारा सा मिट्ठू है, मैं ये चीज़ें ज़रूर लेके आती हूँ ताकि आपके खाने की मेज़ पे आपके फूड्स को आप अच्छे से डिज़ाइन करना, तो ज़रूर खिलाइए, खाइए। अच्छा, विटामिन ए के और ई भी है, इससे आईसाइट बड़ी अच्छी होती जाम खाने से, और बाल बड़े खूबसूरत होते हैं, विंटर्स में हेयर फॉल भी होता अपने को और स्किन भी ख़राब होती। तो आपको मालूम जाम के पत्तों के फेस सॉरी हेयर मास्क से भी बहुत बेनिफिट्स होते क्योंकि फुल ऑफ विटामिन सी है। तो अब इन दिनों जो अपनी स्किन ख़राब हो रही, तो इसके लिए भी ये विटामिन सी का सोर्स बहुत प्यारा है। तो इसीलिए बोलते हैं कि कुदरत का तकाजा है, कुदरत का डिज़ाइन करा हुआ ये फ्रूट है कि आपको जिस सीज़न में आपका बॉडी के पार्ट्स इंटरनल एक्सटर्नल ख़राब होना, मतलब थोड़ा सा डैमेज होना शुरू होता है, तो अल्लाह ताला उसका इंतज़ाम कर देते हैं, वो टाइप का सस्ता फ्रूट और सस्ता तरकारी आपको भेज देते हैं। बस हमारा काम ये है उसको एतदाल में, मतलब एवरेज अंदाज में खाना, एक्सट्रीम खा के बीमार न होना, एवरेज अंदाज में खाना भी, खिलाना भी, और ये चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में शामिल भी करना। पहले तो ज़माने में तो हर घर में जाम का झाड़ रहता था। तो चलिए खाइए, इंजॉय करिए, और हम सबको ज़रूर दुआओं में याद रखिए, ख़ासतौर से आज असर के बाद जुमे की दिन की दुआ बोलते कि कबूल होती, तो हम सबको ज़रूर दुआओं में याद रखिए। ये भी हमारा एक कल्चर है, एक तहजीब है, जिसको क्योंकि एसेंस ऑफ हैदराबाद का काम ही है कि आपको अपनी कल्चर और तहजीब के साथ इंट्रोड्यूस कराना, तो आज काले नमक के साथ जाम खाना हमारी पुरानी हैदराबादी तहजीब है जिसको मैं फिर से रिवाइव करने की कोशिश कर रही हूँ आप लोगों के साथ। हम तो खाते रहते लेकिन हम चाह रहे हैं कि अपने बच्चों को भी ये चीज़ों से हम ज़रूर वाकिफ़ कराएं। तो चलिए दुआओं की दरख्वास्त के साथ अल्लाह हाफिज़।